आदि बात सुनना। स्कूल में जब कोई पी रहा होता था कोई चीज या बोतल वगैरह पी रहे हो कोई आज तो दोस्त होते थे ना मांगने वाले आ जाते थे। हम कहते थे कि यार इसमें थूका हुआ है हमने, फिर वो नहीं पीते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, बात कुछ इस तरह है कि अभी सुबह के बज रहे हैं 9, रात को हुई थी बारिश और जिसकी वजह से मौसम अभी काफ़ी बदल गया है, मतलब सर्दी हो गई है सही, जिसकी वजह से मतलब अभी मैंने हुडी और इसके ऊपर कोट भी पहन लिया, मतलब इतनी सर्दी हो गई है। तो हम चलते हैं फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आज हम जाएंगे जी फैसल मस्जिद। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन महीना तो हो ही गया है, तो आज हम जाएंगे फैसल मस्जिद। तो अभी सलोन पहुँच गया हूँ। अभी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी है, देखते हैं क्या सूरत हाल है उस मैच की। अभी मैच वगैरह देखते हैं। स्लीपर वगैरह पहन के निकल आया था, अभी देखो सर्दी भी है, शूज़ वगैरह पहनते हैं फिर जाके वापस। अगर इन बालों से हमें मोहब्बत ना होती तो इन बालों को हमने कब का कटा दिया होता, लेकिन नहीं कटाना। अच्छा जी, अभी सलोन से वापस आ गए हैं और अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद शूज़ वगैरह पहनने हैं और बस फिर फैसल मस्जिद। पतला आलू वाला पराठा सही। ये भाई हैं हमारे, तकरीबन 2 साल से इनको मैं जानता हूँ और इन्हीं के पास हम पराठे वगैरह खाते रहे हैं। आज फिर हमने आलू के पराठे, और इस बार नाश्ते में हमारे साथ उसामा भाई हैं। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह कर लिया अभी हमने और अभी हम निकलेंगे फैसल मस्जिद की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल में, शूज़ वगैरह पहनते हैं। तो अभी ये हम वापस आए हैं रूम में, तो इधर से दरवाज़ा तो खुला हुआ है लेकिन इधर से हादी ताला लगा के चला गया। चाबी किधर होगी? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तकरीबन 2% है, ठीक है। केबल ये तो फटी हुई है। हादी फैशन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जराबे फटी हुई है, ये फटी हुई नहीं है, ये फैशन है। उस समय मैं अक्सर बाहर आ जाता हूँ, दोस्त वगैरह आए या ना आए, मैं अकेला जो है ना बस निकल जाता हूँ कहीं ना कहीं। पिछली बार बारिश हुई थी, उस वक्त यह था कि यही मौसम था, मैं मोनूमेंट चला गया था, तो उस वक्त मैं व्लॉग नहीं था बनाता जो कि आपको दिखा सकता, लेकिन यह है कि मोनूमेंट गया था। तो इसी तरह दामने को चले जाते हैं, तो अब जा रहे हैं फैसल मस्जिद। तो उधर जाते हैं फैसल मस्जिद। जनाब, जब मैं पहले वाले हॉस्टल में था तो उधर सबसे करीब मुझे फैसल मस्जिद पड़ती थी, और मैं तकरीबन महीने में 1-2 बार ही जाते थे। उस वक्त हमारी पढ़ाई भी होती थी, ऐसी से कर रहे थे, मतलब स्कैन वगैरह भी आना होता था, हॉस्टल से मरकज़ से हॉस्टल, बस यही रूटीन थी। अभी रूटीन चेंज हुई है क्योंकि मैंने अभी लिया हुआ ब्रेक ऐसी से में, तो अभी यह है कि थोड़ा बहुत फ्री हूँ। ऐसी से में जब हम नए आए थे, मतलब इस्लामाबाद में जब नए आए थे, तो हमें शौक़ होता था यार कि मतलब सुबह उठना है, इस्लामाबाद विज़िट करना है, मतलब खूबसूरती है। अब क्या करते हैं, पूरा दिन हॉस्टल में गुजार देते हैं, पता ही नहीं चलता। ML कौन सी है? ML 350, और ये 4Matic है, और ये भी मर्सिडीज़ है, 230, हाँ 230E है। ये भी मर्सिडीज़ है, ये कोई मर्सिडीज़ लवर है इस घर में। ये सामने फैसल एवेन्यू है, और ये रोड भी फैसल मस्जिद की तरफ जाती है। तो इधर से हमें फैसल मस्जिद दिख रही है। तो ये मेरा हॉस्टल के बिल्कुल करीब थी, पहले वाले हॉस्टल के बिल्कुल करीब थी। और ये आगे छोटा सा ज़ू आता है, इसी रोड पे आगे छोटा सा ज़ू है जिसमें सिर्फ हिरन और ज़ेब्रा है, बस और इसमें कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा ज़ू इन्होंने साथ रोड के साथ बनाया हुआ है, जो फैसल एवेन्यू से भी दिखता है और इस्माइल रोड से भी दिखता है इधर। तो अभी ये वाला ज़ू है, तो इधर ज़ेब्रा होते हैं और उधर हिरन है, और कुछ उधर हैं, उधर बैठे हुए हैं, और कुछ इधर बैठे हुए हैं, और कुछ इधर हैं।
अगर आप फैसल में से जा रहे हैं तो सबसे खूबसूरत जो ट्रैक है इस्लामाबाद में वो यही है, क्योंकि इसके दोनों तरफ दरख्त हैं और खजान के मौसम में ये मतलब इतना हैवी व्यू हो जाता है इसका, क्योंकि पत्ते ही पत्ते होते हैं रास्ते में और आप पत्तू के ऊपर जा रहे हो। अच्छा जी, ये जो फैसल मस्जिद है ये जब बनी थी तो इसको बनाने के लिए जिस बंदे ने पैसे दिए थे वो सऊदी बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने इसके लिए फंडिंग दी थी पाकिस्तान को कि ये मस्जिद बनाई जाए। तो जब पाकिस्तान ने ये मस्जिद बनाई तो इन्होंने उसका नाम इस मस्जिद का नाम भी उसके नाम पर रख दिया। ये जो मस्जिद है सिर्फ ये अरबी तर्ज के मुताबिक बनी हुई है और ये जो इसके मीनार हैं ये तुर्की तर्ज के मुताबिक बने हुए हैं। ये तकरीबन बनी थी 1986 में बनी थी। इसमें तकरीबन 80,000 बंदा 80,000 बंदा नमाज पढ़ सकता है सहन समेत। तो अभी हम ऊपर नहीं जा रहे तो हम इधर से वापस चलते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी होने वाली है ख़त्म, तो फिर वापस चलते हैं अभी। Five hours later. तो मैं बाहर निकला तो इधर फिर बारिश लगी हुई है। भैया ने एक ओरियो दे दे, दे दे प्रिंस और एक गाला। घर में हाँ दी बिस्कुट, मेहमान आए हुए उनके लिए। ये पता है क्या होता, हम जब स्कूल में होते थे ना कोई ले आता ना सब मांगे, यार घर से फोन आए मेहमान है तो घर। अच्छा दी बात सुनना, स्कूल में जब कोई पी रहा होता था कोई चीज या बोतल वगैरह पी रहे हो कोई आज, तो दोस्त होते थे ना मांगने वाले आ जाते थे, हम कहते थे कि यार इसमें सूखा हुआ है, फिर वो नहीं पीते थे। और मैं ये पीने लगा चाय। तो आज का व्लॉग करते हैं खत्म। आदि कुछ कहना तो नहीं चाहोगे? लाइक एंड सब्सक्राइब।